हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। तो हम कर रहे हैं क्लास सेवन्थ ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है वाटर। इस चैप्टर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम यहाँ पे आंसर करेंगे। प्लस इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हम क्लास सिक्स और सेवन्थ की ज्योग्राफी एनसीईआरटी को कम्प्लीट कर चुके हैं। हर चैप्टर को हमने थ्रू बुक पहले पढ़ा है, जिसमें हमने पैराग्राफ टू पैराग्राफ ट्रांसलेशन की है, और उसके बाद थ्रू समरी नोट्स पढ़ा है। हर चैप्टर का मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें समरी नोट्स बनाए हैं एक या दो पेजेस के, और बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की है, और उसे आप एज ए रिविजन नोट्स ले सकते हैं। तो अगर आप चैप्टर 5 के देखना चाहते हैं समरी नोट्स वीडियो देखना चाहते हैं, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 5 के हम क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर का नाम है वाटर। वाटर के बारे में हम काफ़ी इंटेंसिवली पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अब डायरेक्ट हम क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन क्या होती है? देखिए, आसमान में, एटमॉस्फेयर में कोई भी वाटर अगर है, चाहे फ्रोजन फॉर्म में, चाहे लिक्विड फॉर्म में, चाहे वेपर्स फॉर्म में, जब वो अर्थ पर पड़ता है इन द फॉर्म्स ऑफ वाटर, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। हिंदी में अगर एक वर्ड में कहें तो बारिश, जो बारिश होती है दैट इज़ प्रेसिपिटेशन। अब आपको अपने वर्ड्स में लिखना है इस डेफिनेशन को, बिकॉज बुक में ये डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको। सो इसकी डेफिनेशन बनती है दैट प्रेसिपिटेशन इज़ एनी लिक्विड और फ्रोजन वाटर दैट फॉर्म्स इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉल्स बैक टू द अर्थ, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज़ वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या होती है? देखिए, पानी पहले धरती पे है, किसी लेक में है या ओशन में है, जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो इवेपोरेट होकर आसमान में चला जाता है, फिर वहाँ पे कंडेंस होता है, बादल बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, और जब वो हाई माउंटेन से टकराते हैं तो बारिश होती है, वही पानी अर्थ पर आ जाता है। तो इस तरह से पानी जो भी इधर उधर घूमता रहता है एक साइकिल के फॉर्म में, इसे हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। डेफिनेशन पढ़ते हैं, the process by which water continually changes its form and circulates between ocean, atmosphere and land is known as water cycle. पहले ocean में होगा, evaporate होकर atmosphere में जाएगा, वहाँ से फिर बारिश होगी, precipitation की form में land में आएगा, इस तरह से circulate करता रहेगा, इसे हम कहते हैं water cycle, right? So third question की तरफ चलते हैं। थर्ड है, what are the factors affecting the height of the waves? तो waves हमने पढ़ी हैं क्या होती हैं, ठीक है, तो अब कौन से फैक्टर्स हैं जो वेव्स की हाइट को जो है वो डिफाइन करते हैं? विंड्स, हवाएं। हवाएं कितनी तेज़ चल रही हैं, एक यही फैक्टर है। बहुत तेज़ चल रही होंगी तो जो ये वेव्स हैं ये बहुत ऊंची ऊंची आएंगी। अगर हवा चल ही नहीं रही है या फिर बहुत कम चल रही है तो छोटी छोटी या हल्की हल्की वेव्स आएंगी। अर्थक्वेक्स, अब अर्थक्वेक्स को आप सिर्फ ये मत समझिएगा कि जो अर्थ होती है उसके ऊपर जब हिलती है अर्थ, मूवमेंट होती है, तो अर्थ वेव, तो अर्थक्वेक्स हम उन्हें कहते हैं। जो ओशन वाटर होता है उसके नीचे भी ज़मीन होती है, तो उसके नीचे भी जो प्लेट्स में चेंजिंग आती है तो उससे क्या होता है, जो पानी होता है वो इधर उधर घूमता है, जिसकी वजह से सुनामी भी आती है। सुनामी का भी ये रीज़न होता है। तो उन्हीं अर्थक्वेक्स की वजह से वेव्स भी चलती हैं, ठीक है, लहरें भी चलती हैं इधर से उधर। तो अर्थक्वेक कितना स्ट्रांग है उस पर जो है वेव्स की हाइट, उस चीज़ पर भी डिपेंड करती है। थर्ड है, वोल्केनिक इरप्शन, जब ज्वालामुखी फटते हैं उस टाइम पे भी जो वाटर है वो इधर से उधर मूव करता है, ठीक है। तो तीन फैक्टर्स यहाँ पे मैंने डिफाइन किए हैं जो हाइट, जो वेव्स की हाइट को अफेक्ट करते हैं, और कौन कौन से हैं? विंड्स, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ओशन वाटर की मूवमेंट को इफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, पानी कितना गर्म है कितना ठंडा है, सैलिनिटी, वाटर कितना सलाइन है, जो सलाइन वाटर है वो डेंस होता है, हैवी होता है, एक्सटर्नल फोर्सेज ऑफ सन एंड मून, ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जो नेप टाइड्स आती हैं और स्प्रिंग टाइड्स आती हैं वो सन एंड मून जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं अर्थ पे उसकी वजह से आती है। तो ये तीन जो हैं फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड एक्सटर्नल फोर्सेज ऑफ सन एंड मून, राइट। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज्ड? टाइड्स क्या होती हैं? टाइड्स अब एक तरह से लहरें कह सकते हैं, ठीक है, ये दिन में दो बार आती हैं। तो अब टाइड होती क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जो रिदमिकली राइज एंड फॉल होता है ओशन वाटर का दिन में दो बार, उसे कहते हैं टाइड। ये दिन में दो बार ही आती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। अब जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होते हैं जो सूरज और चांद, सन एंड मून अर्थ के सर्फेस पे लगाते हैं, उसकी वजह से टाइड्स आते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, आप ज़रूर एक बार समरी नोट्स मेरे जाके देखें, मैंने डायग्रामेटिकली वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है कि सन मून कहाँ मूवमेंट है, कैसे होता है, वो सब समझाया है। यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ हमें जो है आंसर लिखना है आपके क्वेश्चन आंसर या एग्जामिनेशन फॉर्मेट में, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट।
सो टाइड्स क्या होती हैं, वो कैसे होती हैं? सो द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड एंड द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सर्फेस कॉजेज द टाइड्स. रीजन भी बता दिया, होती क्या है वो भी बता दिया. अब नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ओशन करंट्स. ओशन करंट्स क्या होती हैं? जो पानी होता है ओशन के सर्फेस पे, जब वो किसी एक डायरेक्शन में या किसी पैटर्न में मूव करना स्टार्ट करता है उसे कहते हैं ओशन करंट्स. डेफिनेशन देखिए आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सर्फेस. ओशन के सर्फेस पे जो पानी के पैटर्न्स दिखते हैं ना आपको इन डेफिनेट डायरेक्शंस, उन्हें हम कहते हैं ओशन करंट्स, राइट. सो जो ये क्वेश्चन आंसर्स थे ये तो मैंने यहाँ पे करा लिए हैं, बट कुछ MCQ फॉर्म में कुछ टिक मार्क क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद करने हैं, क्योंकि खुद आप करोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा. प्लस ये हमने जो मेन क्वेश्चन है वो तो हमने कर ही लिए हैं, तो अब आप उन्हें एक बार थोड़े बुक से देखें, थोड़ी आपकी नॉलेज भी ज़्यादा जो है वो बढ़ेगी. एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए. वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक प्रोवाइड करवा सकते हैं, आप कुछ भी कहना चाहते हैं वहाँ पर टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं. सो दैट्स इट गाइज, ये हमने किया चैप्टर नंबर 5. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ. ओके गाइज, सी यू सून.